हमें ये ध्यान रखना है कि शारीरिक दूरी, दो गज की दूरी, ये मंत्र भूलना नहीं है। गांव गांव, घर घर, गली गली, दो गज की दूरी, ये शारीरिक दूरी, साथ साथ मुंह को फेस कवर, जरूरी नहीं बड़े महंगे वो ऐसा गमछा भी चल जाता है, लेकिन ये लगातार होना चाहिए। या मास्क से ढकना, हाथों की बार बार सफाई की बात हो, आने वाले दिनों में भी हमारे लिए इस बीमारी से बचने का यही बड़ा रास्ता है, यही एक लड़ाई है। नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा चयनित जारी। मैं देव पटेल कुमार, सीआरपीएफ 33 बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर हूँ। मेरे बटालियन का हेडक्वार्टर है दीनदयाल में, जम्मू में है, और मेरा डिप्लॉयमेंट है कंपनी हम सारे जो है डोडा और बदरवाली जिले में। मैं अपना जो है COVID-19 को खिलाफ जो है एजेंसी जो हम लोगों ने अपना ड्यूटी के दौरान और कैंप लाइफ में जो भी प्रिकॉशंस लिया है उसके बारे में बता। जैसे सभी को पता है सेकेंड वीक ऑफ मार्च से ये COVID-19 यानी कोरोना वायरस की स्प्रेडिंग शुरू हो गया था, और जैसे ही जो है इंडिया में कुछ केसेस रिपोर्ट किया जो हमारे पास जो है इंस्ट्रक्शन आने लगा अपने डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट के साइड से, हेल्थ मिनिस्ट्री सभी से, जो हमारा जो है 24/7 ड्यूटीज होते हैं, ड्यूटीज जैसे पहले बिफोर कोविड का सिनेरियो था उसी टाइम जो जैसे ड्यूटी हम थी वैसे ही अभी भी सेम ड्यूटी हम चली रहे हैं। और 24/7 हमको तो फोर्स में तो ड्यूटी करना सकते हैं। तो हम जो है कोविड सिनेरियो में ये जो है प्रिकॉशंस लेते ही ड्यूटियां चलाए जा रहे हैं। प्रिकॉशंस के तौर पर तो जैसे ही मेन तो सोशल डिस्टेंसिंग होता है कोरोना का स्प्रेड को रोकने के लिए, तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिर तो फ्रीक्वेंट हैंड वॉश, मास्क पहनना, हैंड का सैनिटाइजेशन, और बाकी जो है अपना खुद का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए योगा और स्मॉल एक्सरसाइजेस और बाकी सारे ये चीज आप अपना रूटीन में डेली का रूटीन में अपनाया है, हर काम में ये फॉलो करते हैं। देखिए ड्यूटी एक दिन शुरू होता है मॉर्निंग टी से, उसके बाद जो है अपना फॉलिंग होता है, फॉलिंग के बाद पीटी, सो भी जो है सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए फिजिकल ट्रेनिंग होता है, उसके बाद आधा से एक घंटा योगा का प्रैक्टिस किया जाता है। जो हम लोग वो है तो ड्यूटी में जाते टाइम, ड्यूटी में जो लॉकडाउन के टाइम में तो इतना भीड़ भाड़ नहीं होता है, लॉकडाउन रिलैक्सेशन के बाद पब्लिक वगैरह भी आने लगा, तो तभी भी इनको बताया जाता है अपना डिस्टेंसिंग मेंटेन रखना है और दूसरा एक दूसरे से किसी भी हालत में कांटेक्ट में नहीं आएगा। और नेक्स्ट इज जो ग्लव्स या मास्क पहनना है, तो कहीं भी हो तो बातचीत किसी से भी करना है, कोई ऐसा सिचुएशन डेवलप हो जाता है किसी से इंटरेक्ट होना है तो अपना सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहन के उसको काम किया जाना चाहिए। अभी जो कैंप के अंदर का लाइफ है, कैंप के अंदर तो है जो कैंप में है नॉर्मल अराउंड 70 से लेके 150 लोग एक कैंप के अंदर रहते हैं, और बड़ा कैंप होता है उसमें ज्यादा होते हैं 200-250 लोग रहते हैं। तो ये इसमें क्या है, तो मेन तो है इसका ये जो है जो बेड्स जो लगे हुए हैं इनका तो बैरक लाइन्स बोलते हैं जो जवान रहते हैं जो हॉल टाइप होता है, तो उसमें हम लोग जैसे ये 1 से 1.5 मीटर मिनिमम 1 मीटर का तो डिस्टेंस फॉलो करते हैं, और बेड्स जो 1 मीटर डिस्टेंस फॉलो करके फिर जैसे ही इनका टाइम दिया हुआ है जो कुछ इंटरवल्स दिया हुआ है
जिसके उस इंटरवल में ही अपना ट्रेनिंग के लिए जाएगा। तो पहले जो नॉर्मली होता था जो 7 से 8 बजे या 8 से 9 बजे बीच में जो इनका मेसिंग होता था ब्रेकफास्ट लंच या डिनर, बट अभी क्या है 10 या 15 का ग्रुप में। चलिए मेन तो चीजों से सोशल डिस्टेंस से 1 मीटर 1 से 2 मीटर का गैप रखना चाहता है, तो इसलिए तो इनका जो है तो सब ये है मेल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीरियड हमने बढ़ा दिया है, तो उसको ध्यान रखते हुए है इनको ये जो है फूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। नेक्स्ट इसलिए है बाहर का जो है क्योंकि कॉमन प्लेस इश्यूज होता है, जैसे अब टॉयलेट में या बाथरूम में तो पाइप और ये सारे जो है इनको कॉन्टेक्ट में आता है, तो ऐसा तो उसमें क्या है मेन तो जो है हर जगह पर हम वाटर जो रनिंग वाटर नहीं होता स्टोरेज वाटर टैंक्स रखा गया, और वहाँ अभी हमने एक इम्प्रोवाइज तरीके से तो हैंड्स फ्री जो है पैर से जो ऑपरेट करने वाला एक इम्प्रोवाइज्ड एक मैकेनिज्म लगाया हुआ है, जैसे पैर दबाते हुए पानी निकलेगा और हाथ पानी से हाथ धोने के लिए पानी निकलेगा, और जैसे ही पैर दबाते दूसरा इसमें से हैंड वॉश जो है सोप किट सोप का सोल्यूशन निकलेगा, तो उसमें दोनों हैंड विदाउट टचिंग अपना काम हो जाता है उसमें। तो ये हम जहाँ भी हमारा कैंप है तो हम उधर अपने ये जो चीज है जो है जो मैकेनिज्म है ये तो अपने ही वर्कशॉप में अपने ही जो है फिटर ने जो डेवलप किया हुआ है। ये इसके अलावा जो है सैनिटाइज सर जो होता है जो हैंड सैनिटाइजर है ये सभी को अपना अपना है स्मॉल जो है बोटल में सभी को उपलब्ध करवाया गया, तो ये लोग अपने साथ ही लेके चलते हैं। जब भी कोई उनको डाउट लगता है तो कहीं कॉन्टेक्ट हुआ है तुरंत वो जो है अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से हैंड ग्लव करते हैं, और 24 आवर्स जो है 24 आवर्स मीन्स जब भी जैसे एक्सेप्ट जो है सोते टाइम बाकी टाइम में तो इनको मास्क पहनने का ऑर्डर दिया है। मास्क का भी हम लोग क्लिनिकल मास्क डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, और उसके अलावा अपना जो टेलर से जो ये इसका मटेरियल जो जहाँ से लेके टेलर से मास्क भी अपना फैब्रिकेट किया हुआ है अपना जो यूनिट लेवल पर जो टेलरिंग शॉप है उधर से। अभी मैं बताता हूँ CIPF जो है पब्लिक के लिए क्या कर रहे हैं कोरोना का जो चलते हुए जो पब्लिक डिस्ट्रेस में है, तो उनके लिए जो एक J&K जोन CRPF ने 24/7 का हेल्पलाइन मददगार नाम का एक हेल्पलाइन है, उसका टोल फ्री नंबर है व्हाट्सएप नंबर है, और उसके अलावा अपना कंट्रोल रूम है जो J&K जोन के अंदर जो जम्मू सेक्टर श्रीनगर सेक्टर काश्मीर सेक्टर ये सारे सभी के कंट्रोल रूम 24 आवर्स सकते हैं, और इसका वाइड पब्लिसिटी दिया हुआ है आप कहीं भी देख सकते हैं J&K के अंदर CRPF का जो है मददगार हेल्पलाइन। तो मददगार हेल्पलाइन में जो है कोई भी डिस्ट्रेस मेनली जो है लोगों को अभी लॉकडाउन के अंदर तो गाड़ी नहीं मिलते है, कोई बीमार हो गया है तो हॉस्पिटल पहुंचने का गाड़ी नहीं मिलता और उनका सुविधा नहीं होता, तो उनको जो है गाड़ियाँ प्रोवाइड किया जाता है एम्बुलेंस दिया जाता है, किसी के पास खाने का चीज नहीं है तो बस काफी जो है खास करके जो लेबर लोग है जो माइग्रेंट लेबरर्स है बाकी स्टेट्स का जो इधर काम के लिए है उनका भी है जो फोन कॉल जैसे आते ही उनको जैसे ड्राई रेशन या तो बना हुआ रेशन जो बना हुआ खाना ये सारे पहुंचा देते हैं, उसके अलावा भी कहीं जो है किसी को ब्रेड का जरूरत है और किसी को कहीं पहुंचने का है तो कहीं दूर गाड़ी नहीं मिल रहा है तो उनको पहुंचाने के लिए मतलब वॉट एवर जो रिक्वायरमेंट जो है जैसे भी हमको जो कवर मिलता है कि जिस मदद का हेल्प करेंगे तो वो है ग्राउंड लेवल में हमारे जो यूनिट्स काम कर रहे हैं तो उनका तो ये किया जाता है। इसके अलावा जो हम लोग जो है हॉस्पिटल जहाँ भी जो CRPF कैंप्स है उनको उधर हॉस्पिटल्स को जो भी कर सकते हैं देखो हमारा तो अपने अलावा ये जो सैनिटेशन जो आइटम्स है तो हम जो हॉस्पिटल को भी है खास करके जो इंटीरियर्स में है ये दो तहसील लेवल पर सब डिविजन लेवल पर या हेल्थ सेंटर्स वगैरह में
हमारे से जितना पॉसिबल है लोग उनको मास्क या पीपीई किट या सारी चीज प्रोवाइड करने का कोशिश करते हैं। इसके अलावा अभी जो है हम लोग जो आयुष मिनिस्ट्री के अंडर में जो काम चल रहा है, जो अवेयरनेस प्रोग्राम है और उसके अलावा मेडिकल कैंप्स है, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो मेडिसिन, ये सारे जो है अभी जम्मू बेस्ड जो है गवर्नमेंट आयुर्वेद कॉलेज उनके साथ मिलके अभी हमने कैंप करवाया है। कैंप में अराउंड हमारे जो मेन कैंप है जो गंगेल में 250 के अराउंड लोग रहते हैं, इनको सभी को डॉक्टरों के द्वारा जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स है जो आयुर्वेद का उनके द्वारा कंसल्टेशन दिया गया है और उनको जो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है। उसके अलावा जो इम्यूनिटी बूस्टिंग जैसे च्यवनप्राश हो गया है, विटामिन सप्लीमेंट्स हो गया, बाकी कुछ भी जो है ओवरऑल हेल्थ इम्प्रूवमेंट के लिए जो भी जो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स है जिसका आपको सबको मालूम है तो आयुर्वेदा प्रोडक्ट्स जो है ज्यादा इसका साइड इफेक्ट नहीं है एंड इट इज नेचुरल बेस्ड प्रोडक्ट्स, तो उनका सभी को जो है इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और काफी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। उसके अलावा एक योगा आयुष मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक योगा एक्सपर्ट भी आया था ब्रीथिंग एबिलिटी बढ़ाने के लिए, ब्रीथिंग रिलेटेड एक्सरसाइज का अभ्यास करवाया गया था, उसका ट्रेनिंग भी दिया गया है। तो ओवरऑल जो है सीआरपीएफ जो COVID-19 प्रिवेंशन और स्प्रेड को रोकने के लिए तो पूरा तरह से मतलब तैयार है और इसमें जो एक हमारा लाइफ का हिस्सा बन चुका है जो ये रूटीन है प्रिकॉशन लेना और बाकी लोगों को जिसका है जिसको डिस्टेंस में इनको मदद करना और अपने साथ साथ जो हमारा जो 24/7 जो ड्यूटीज है वो भी निभाना है, ये हमारा चलते जा रहे हैं और हमारा ये रहेगा जब तक ये कम्प्लीटली जो है ये वायरस का स्प्रेड खत्म नहीं होगा तब तक हम ये चीज जारी रखेंगे। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूंगा तो वो है अभी लॉकडाउन के पीरियड में हमारे जितने भी जवान जो बाहर जो है जो आउट ऑफ तो रीजन जो गया था अपना छुट्टी अपने घर में गया था या तो ड्यूटी के लिए गया था तो उन लोगों को तो उधर रोकने के लिए आदेश दिया गया था और अभी क्या है लॉकडाउन का रिलैक्सेशन आ गया है और जो अभी जो इहान लोग है जो दो दो तीन महीने से इनको भी घर में काफी कुछ समस्याएं आ रहे हैं और उनको घर जाना बहुत जरूरी है, उसको देखते हुए अभी जो बाहर जो छुट्टी पर है अन्य जो सीटों में जो छुट्टी रहते हैं उन लोगों को हमने अभी रिकॉल करना शुरू किया। इसमें भी एक हमने सिस्टम बनाया है तो जो ग्रीन जोन और या ऑरेंज जोन जो अफेक्टेड नहीं है उन लोगों को पहले बुलाया जा रहा है और उनको भी सेम जो है स्टेट का जो प्रोटोकॉल है तो जैसे आते ही इधर इनका कोविड टेस्ट कराया जा रहा है, कोविड टेस्ट के साथ साथ ही उनको 14 दिन का क्वारंटाइन में रखा जा रहा है। क्वारंटाइन के बाद फिर अपना अपना जो कैंप्स है जहाँ जिस यूनिट का है उधर उधर से डिस्चार्ज किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूँ अमिताभ बच्चन। देखिए, हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड-19